सारंगढ़ के ग्राम पंचायत जेवरा में एक ग्रामीण को आवास योजना का लाभ न मिलने के कारण ग्रामीण मुक्ति धाम के शेड के नीचे अपने परिवार के साथ रहने को मजबूर है, मगर शासन की तरफ से अब तक कोई भी योजना का लाभ इस ग्रामीण को नहीं मिल पाया है। बेसहारा एवं पात्र लोगों को सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाने के लिए कटिबद्ध, इसके बावजूद गरीब एवं बेसहारा लोगों को योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। खुले आसमान या फिर किसी पुराने टूटे फूटे मकानों के नीचे रहकर इन्हें गुजर बसर करनी पड़ती है। सरकार द्वारा गरीबों एवं बेसहारा लोगों के लिए विभिन्न योजनाएं चलाकर लाभ देने में लगी है, लेकिन कोई भी लाभ इनको नहीं मिल पा रहा है। यूं तो राज्य सरकार ने गरीबों के लिए ढेर सारी योजनाएं बनाई हैं और घोषणा भी की है, लेकिन आज भी कई गांवों में ऐसे लोग हैं जिन्हें ना तो छत नसीब है, न ही शासन की योजना का लाभ उन्हें मिल पा रहा है। फिर भी ऐसे गरीब किसी टूटे फूटे मकान, शमशान या खुले मैदान में जिंदगी जीने को मजबूर है, और ऐसे गरीब कर भी क्या सकते हैं सिवाय गुहार लगाने के। मगर दिक्कत यह है कि उनकी गुहार सिर्फ गुहार तक ही सीमित रह जाती है, उनकी गुहार को कोई अमली जामा नहीं पहनाया जाता। दरअसल हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ऐसा ही एक मामला सारंगढ़ के ग्राम पंचायत जेवरा से निकलकर सामने आया है, जहां जेवरा में निवास करने वाले सारथी परिवार को शासन से मिलने वाली पक्की छत तो नसीब नहीं है, लेकिन शासन के द्वारा बनाए मुक्ति धाम प्रतीक्षालय में अपने परिवार के साथ रहने को मजबूर है। सारथी परिवार की मुखिया के बताए अनुसार उनका घर पहले बस्ती में था, मगर जर्जर होने के कारण वह पूरी तरह से टूट चुका था और जमीन भी कब्जे की थी, और वह इस काबिल नहीं है कि मकान को बनवा कर रह सके, क्योंकि रोजी मजदूरी और घूम घूम कर कमाने में इतना पैसा नहीं बचता कि उसकी जिंदगी चल सके या फिर वो घर बना सके, क्योंकि बचत करेगा तो गरीब आखिर खाएगा क्या और परिवार को खिलाएगा क्या, क्योंकि शासन से केवल उन्हें 20 किलो चावल ही मिलता है और जो भी कमाई हो जाता है उससे घर का गुजारा चल रहा है। इसलिए आज वो मुक्तिधाम के प्रतीक्षालय में रहने को मजबूर है। शासन की आवास योजना में उसका नाम आ चुका है, मगर दस्तावेजों की कमी के कारण वो भी अधर में लटका हुआ है। वो भी नहीं चाहता कि वो इस जगह पर रहे, मगर क्या करे, आवासी बन गया होता तो इस तरह की खुले छत में गुजर बसर न करता। 4 महीना हो गए मुक्तिधाम में, अब मजबूरी है घर को लेकर कहाँ ठहरा वो कहाँ की साफ उनके घर घर रही से बना रहे हैं, वो भी बेचा कभी जमीन है ओकर थोड़ा हमके मजबूरी कारण के लिए हम छोड़ देना ठीक है। अब मुक्तिधाम में रहता तो कितना कैसे तकलीफ लगा था आप मतलब तकलीफ तो है ठीक हर चीज के कैसे करता जब यहाँ कोई डेड बॉडी वाला ले आपसे जलाएगा तो एक रहते ना तो सब बढ़ते उड़ते एक जलाने वाला मन एक नहीं आए अब एक टाइम मैं तो कहाँ टी हूँ बैठे वो आप मन डर और नहीं लगे मुक्ति धाम मेरे जब हाँ तो कहाँ भूत पड़े तो आते कर मर जाओ तो भी ओकर का गारंटी है भूत पड़े कोई गारंटी रहेगा। इधर इसी बात को लेकर जब हमने गांव के सरपंच से बात की तो उनका कहना था कि आवास योजना में सारथी परिवार का नाम तो है, मगर किस कारण रुका हुआ है यह मालूम नहीं। शासन द्वारा आवास योजना में जैसे ही इनके नाम की लिस्ट जारी की जाएगी और यदि इनका नाम उसमें होगा तो अवश्य ही उनको आवास योजना का लाभ दिलाया जाएगा। क्या है वो वर्तमान में तालाब के किनारे में उसका घर था, 2 क्वार्टर का बना रखा था, 5-7 साल पहले से वहाँ पे रह रहा था। तो अभी बीच में जैसे भाई भाई में विवाद हुआ या मैं तकलीफ पा रहा हूँ करके वहाँ से फोड़ के आ गया है यहाँ पे, जहाँ पे अभी वर्तमान में वो जगह बालूद्यान के लिए प्रस्तावित जगह है और मुक्तिधाम प्रतीक्षालय है, तो वहाँ से फोड़ के आ गया था, यहाँ पे बना रहा था अपना घर। तो उसको पंचायत वाले और गाँव वाले बोले कि भाई यहाँ पे कि ये तो सार्वजनिक स्थल है, निस्तारी जगह है, यहाँ पे मत बनाओ। तो फिर ठीक है करके वो झोपड़ी उपड़ी लगा रखा था और बाद में उसको वो जो वहाँ पे ईटा वीटा लगा के वो निर्माण कार्य कर रहा था उसको अपन रुकवाए थे कि यहाँ पे नहीं बनाने देंगे प्रस्तावित स्थल है करके। शासन की योजना की बात करें तो उनको पीएम आवास की योजना का लाभ नहीं मिल रहा है ना राशन कार्ड नहीं, वो तो पीएम योजना उनका पहले से ही इसमें सूची में है, मेरे कार्यकाल से पहले जो पूर्व सरपंच थे 4-5 साल पहले से उनका सूची में नाम है, लेकिन उनका
फार्म जमा भी हो गया है कई बार, और फार्म जगह जमा होने के बाद वो उसका जो फार्मेलिटी है, आधार कार्ड में दूसरा नाम है, राशन कार्ड में दूसरा नाम है, जो मैच नहीं कर रहा है, तो उन्हीं की वजह से शायद उनको लाभ नहीं मिला होगा पूर्व में। अभी जो मेरे कार्यकाल में जो सूची आया था आवास का, 45 आदमियों का सूची अपन जमा किए हैं, उसमें उनको एफिडेविट करवा के स्टाम्प में लिखवा दिए हैं कि महंगू सारथी उर्फ शिव कुमार सारथी करके उसको जमा करवा दी है फार्मेलिटी। अब सूची में नाम तो है, अब जब भी अब गवर्नमेंट आवाज़ जारी करेगी तो उसका भी नाम है आ जाना चाहिए, मिलेगा उनको भी, लगता है जल्दी हो जाएगा। हाँ जल्दी ही हो जाएगा, अब सूची तो भेजा गया है समझ लीजिए, अब आने में देरी है। गवर्नमेंट की जो योजना है, अब भाई अपने हाथ का तो है नहीं, जब गवर्नमेंट जारी करेंगे तो मिलेगा। सारंगढ़ से मुकेश शर्मा की रिपोर्ट, SEN 24।